सो चैप्टर में आगे का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ओके, हमने लास्ट में गॉस लॉ भी देखा था, उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। ओके, एक दो न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे, आई थिंक एक ही बाकी है ना बुक में जो न्यूमेरिकल है उसमें एक ही बाकी है, बाकी सारे न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट अब दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स बाकी है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और से वही सब डायमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक, अभी अभी हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था डाया मतलब दूर और वो सब नहीं पढ़ा था, तो सेम वही चीज है। ओके, तो पहला है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू। इलेक्ट्रिकल वाले चैप्टर में भी हमने परमिएबिलिटी पढ़ा था, वो इलेक्ट्रिकल के लिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। सो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू परमिट द पासिस टू परमिट The passes of magnetic field lines of force through it, मतलब कि कोई भी मीडियम है उसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो सकती है। ओके, से यू कैन से लाइक मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डिनोट करते हैं, तो जैसे कि ये हमारा सरफेस है, इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सरफेस इन द सेंस ये मटेरियल है थिकनेस वाला, ओके तो इसमें से कितनी मैग्नेट, यहां से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो क्या एरिया वेक्टर ऐसे रहेगा तो सारी की सारी पास होगी? नहीं, सारी की सारी पास हो तो सकती है लेकिन कितनी पास होगी, हो सारी सकती है ड्यू टू एरिया, मतलब ये जो 90 डिग्री बन रहा है उसकी वजह से, लेकिन इसकी थिकनेस, ये कौन सा मटेरियल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, इसकी थिकनेस भी और ये कौन सा मटेरियल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसीलिए सोचो ये तो मैग्नेटिक फील्ड की बात है लेकिन सारे ही जो जहां पर भी वेव्स आ जाए, कोई भी फील्ड आ जाए, ओके मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, वेव्स ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेव्स ही है सब कुछ। ओके, पार्टिकल का ड्यूअल नेचर होता है, हमने देखा है केमिस्ट्री में भी, तो वो सब इफेक्ट करता है। मतलब जैसे हम नहीं बोलते, कभी कभी हम मजाक मजाक में भी बोल देते हैं कि यार से मेरा मोबाइल का नेटवर्क वैसे तो सही है लेकिन ये रूम में नहीं आता या ये रूम में ज्यादा आता है। ओके, ये हम बोल रहे हैं और ये तो हमने एक्सपीरियंस भी किया होगा। ओके, कि पर्टिकुलर जगह पर हम बोले देख चले जाए, जैसे कि कोई गवर्नमेंट ऑफिस में तो पर्टिकुलरली जैमर लगाए हुए होते हैं, अंदर घुसे तो किसी का फोन ही नहीं आ सकता, मतलब आउट ऑफ कवरेज एरिया ही दिखा देगा। ओके, टावर 1 होगा या 1 से थोड़ा ज्यादा 2 होगा, ओके लेकिन फोन लगेगा और ऐसा कुछ होगा नहीं। ओके, तो वो क्यों? क्योंकि वहां पर वो फील्ड ऐसी क्रिएट कर की जाती है कि वहां पे वो परमिएबिलिटी, वो फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी कम हो जाती है। ओके, तो उसको तुम रिलेट कर पाओ इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं। सो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी क्या है कि पर्टिकुलर मीडियम में से, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो सकती है। जैसे कि यहां पर एक मैग्नेट है, ओके, और यहां बीच में मैंने वुड रख दिया है, वुड, और यहां पर आयरन है, तो अब उसकी मैग्नेटिक फील्ड की रेंज, ये वुड नहीं होता तो उसकी रेंज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब वुड रखने से वो जितना फोर्स लगा रहा था ये ऑब्जेक्ट पर, क्या उतना ही लगाएगा? तो उतना तो नहीं लगाएगा, बीच में ये आ गया है इसलिए, अभी बीच में वुड आया तो अलग हो गया, बीच में कुछ नहीं है तो बीच में एयर तो है तो अलग है, बीच में सपोज हमने ऐसे पेपर्स रख दिए तो अलग है, तो सबकी परमिएबिलिटी अलग अलग होती है। जनरली जो हम लेते हैं से 10^-7 मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू जो हम लेते हैं वो फ्री स्पेस के लिए है, और एक्चुअली वो फ्री स्पेस के लिए भी नहीं है, वैक्यूम के लिए है, बट हम कंसिडर कर लेते हैं कि फ्री स्पेस के लिए भी वही होगी क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ एयर बहुत दूर दूर होते हैं तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ओके, सो ये एबिलिटी है कि मटेरियल कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास होने देगा। फील्ड लाइंस को मतलब, फील्ड लाइंस तो अगेन इमेजिनरी है, वो तो हम कंसेप्ट समझने के लिए फील्ड लाइंस बोल रहे हैं ना, नहीं तो है क्या मैग्नेटिक फील्ड? तो कोई भी मटेरियल के अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो सकती है वही है उसकी, वो एबिलिटी जो है वही है उसकी परमिएबिलिटी। ओके, सपोज ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जिसकी वैल्यू क्या है, से बी नॉट। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से पास हो रही है,
ओके सो उसकी परमिएबिलिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू. मोर द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मोर इजीली मैग्नेटिक फील्ड विल पास. जितनी ज्यादा परमिएबिलिटी होगी जितनी ज्यादा उतनी मैग्नेटिक फील्ड अंदर से ज्यादा पास होगी. जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया ना कि वहां मैग्नेट है इधर ऑब्जेक्ट है बीच में वुड है तो वुड की परमिएबिलिटी देखनी पड़ेगी. बीच में कुछ नहीं है तो एयर की परमिएबिलिटी देखनी पड़ेगी. बीच में सपोज जो प्लास्टिक रखा हुआ है बीच में पेपर रखा हुआ है बीच में वाटर है ओके वहां मैग्नेट के और यहां पे ऑब्जेक्ट के बीच में वाटर है ओके कोई लिक्विड है तो डिफरेंट डिफरेंट केस में परमिएबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी. तो वो एबिलिटी है. समझ में आ गया. ओके सिंपल ही है. सो उसको हम से म्यू से डिनोट करते हैं. अब एक वापस टर्म आ जाती है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. ये तो हमने स्टैंडर्ड समझ लिया मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भाई मटेरियल मीडियम की हम देंगे. मटेरियल होगा तो मटेरियल और अगर मटेरियल नहीं होगा तो मीडियम तो होगा ही वाटर मीडियम होगा या एयर मीडियम है मीडियम तो होगा ही. अब उसके रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट की कितनी होगी तो वो है रिलेटिव. देखो द डिग्री ऑफ डिग्री और एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट और परमिट अ मटेरियल इज कॉल्ड रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल. कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना अलाउ करेगा ओके कोई भी ऑब्जेक्ट कितना अलाउ करेगा. वो जो हमने पढ़ा वो तो स्टैंडर्ड एयर के लिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. बट रिलेटिव जैसे कि अभी वुड की बोलनी हो तो एयर के लिए हमने क्या वैल्यू वो स्टैंडर्ड वैल्यू 10^-7 ले लिया एयर के लिए. अब मैंने बीच में वुड रख दिया तो वुड का भी कुछ होगा ना. तो वुड भी कहां है एक्चुअल में एयर में है. वुड भी रखा कहां है एयर में है. तो एयर की तो थी ही अब वुड की एडिशनल हो गई तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. किसकी वुड की. मतलब अगर उसको स्टैंडर्ड को म्यू नॉट बोल रहे हैं तो ये वुड वाले को क्या बोलेंगे म्यू बोलेंगे और सेम रिलेटिव को बोलेंगे म्यू आर. डन ओके. सो द डिग्री और एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट कितने एक्सटेंट में जाएगी वही है हमारी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाई म्यू आर. रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी विच इज म्यू टू द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस. एयर तो पहले से था ही तो उसकी तो हमने म्यू जीरो ले ली ओके. अब जो भी मटेरियल लेंगे हम जैसे कि अभी वुड ले लिया तो उसकी हमने क्या ले ली म्यू ले ली इंडिपेंडेंटली. वुड की इंडिपेंडेंटली कितनी ले ली म्यू. तो अब हमें न्यूमेरिकल में वैल्यू डालनी है तो हम म्यू ले या म्यू नॉट ले हम लेंगे म्यू आर रिलेटिव. कि वुड है लेकिन रिलेटिव टू किस में स्पेस में है वो वुड भी स्पेस में ही है तो हम दोनों कंसिडर करेंगे जिसमें रिलेटिव कंसिडर करेंगे तो जिसमें स्पेस भी आ गई और जिसमें वुड की परमेबिलिटी भी आ गई. तो रिलेटिव मतलब क्या ये वुड की और ये स्पेस लाइक दैट. ओके पक्का कोई कंफ्यूजन नहीं है ना. ओके सो दैट इज द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल. तो ये जो ये म्यू मटेरियल की है म्यू नॉट स्पेस की है और वो दोनों के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. ओके देन उसकी वैल्यू स्पेस के लिए परमिएबिलिटी की वैल्यू हमने ये यूज की है 4π × 10^-7 ओके वेबर पर एम्पियर मीटर. म्यू आर हैज नो यूनिट. कहां से यूनिट होगा अभी तो बोला हमने इट इज द रेशियो. म्यू आर इज द रेशियो ऑफ म्यू बाय म्यू नॉट मीडियम की और से मटेरियल की डिवाइड बाय एयर की. ओके तो ऊपर नीचे म्यू ही है तो कट हो गया है तो यूनिट होगा नहीं. हाँ अकेले बोलोगे तो यूनिट होगा. ओके नाउ नो डायमेंशंस इट इज ओनली अ न्यूमेरिकल वैल्यू. यस न्यूमेरिकल वैल्यू है. जैसे कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू फॉर एयर 1 है. क्यों 1 है. अरे म्यू आर लिखेंगे हम सो म्यू आर इज इक्वल टू व्हाट म्यू अपॉन म्यू नॉट. अभी म्यू नॉट कितना है वो तो पता है 4π × 10^-7. म्यू कितना है. अरे म्यू का मटेरियल कौन सा है एयर ही है मटेरियल. तो म्यू नॉट वो क्या हुआ उसकी वैल्यू भी क्या हुई सेम ही हुई. तो 4π × 10^-7 अपॉन 4π × 10^-7 तो एयर की 1 हो गई. समझ में आ रहा है ना पक्का. ओके हम क्या बोल रहे हैं कि रिलेटिव जो था चलो हाँ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो थी दैट इज म्यू अपॉन म्यू नॉट. ये म्यू क्या है भाई मटेरियल मटेरियल की और ये मीडियम की और उसको तो म्यू नॉट मतलब हमने क्या ले लिया है से एयर. डन अब बोल रहे हैं हम रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ एयर ही बोल रहे हैं
तो एयर के लिए ये वैल्यू तो फिक्स है 4π × 10⁻⁷ वो तो फिक्स ही है, मीडियम तो वही है एयर, लेकिन मटेरियल भी अभी कौन सा है, एयर ही है, तो ऊपर भी क्या आएगा 4π × 10⁻⁷, तो ये तो पूरा कट हो गया, तो क्या आ गया 1, तो इसीलिए बोला है एयर के लिए कितना है 1। और सॉफ्ट आयरन के लिए, सॉफ्ट आयरन के लिए ये रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वैल्यू देखो कितनी ज्यादा है 8000। अब ये क्या है, ये रिलेटिव है, दिस इज व्हाट रिलेटिव, विच इज व्हाट म्यू अपॉन म्यू नॉट, विच इज व्हाट 8000 इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4π × 10⁻⁷। तो अगर कोई बोले कि सॉफ्ट आयरन की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कितनी है, तो क्या करेंगे हम 8000 × दिस, तो वो म्यू मिल गया सॉफ्ट आयरन का। लेकिन सॉफ्ट आयरन का सिर्फ एक वर्ड यूज कर ले, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कितनी है, तो हम बोलेंगे 8000, रिलेटिव बोलेंगे तो 8000, और सिर्फ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोले तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। ओके, सो दैट इज देयर। तो ये एक कंसेप्ट था मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का। ओके, हाँ, नाउ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को, हाँ, तो अभी हमने जो कंसेप्ट देखा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसको हमने म्यू से डिनोट किया, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में भी डिनोट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो स्टैंडर्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी, एक्सटर्नल, वो कितनी है बी नॉट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और मटेरियल की भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मटेरियल सपोज समझ लो मैग्नेटिक फील्ड वाला ही मटेरियल है। ओके, जैसे कि हमने कॉपर, निकल, आयरन वो सब लिया था ना, तो वैसा ही मटेरियल है, वो ले लिया हमने, उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है बी। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गई तुम्हारी बी हो गई। सो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो म्यू आर हम बोलते थे, जो म्यू अपॉन म्यू नॉट था, उसको हम बी अपॉन बी नॉट भी बोल सकते हैं। और वेयर बी नॉट क्या है, बी नॉट तुम्हारा एक्सटर्नल है, और बी क्या है तुम्हारी टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अंडरस्टूड, सिंपल है। तो वही म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू नॉट था, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी अपॉन बी नॉट, तो बी नॉट एक्सटर्नल है और जो मटेरियल का होगा वो बी है, टोटल है बी, डन। ओके, तो उसी को एक एक्सटेंशन है। नाउ इसके बेस पर, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बेस पर सारे मटेरियल्स को, जैसे कि हमने बोला कि एयर के लिए मैग्नेटिक, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी 1 है, सॉफ्ट आयरन के लिए 8000 है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो उसके वैसे ही सारे मटेरियल्स को क्लासिफाई किया जाता है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो एक होता है जिसमें म्यू आर 1 हो जाता है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कितनी हो जाती है 1, अभी हमने देखा कौन से सब्सटेंस के लिए, एयर के लिए, तो वो 1 देखा। ओके, और दूसरे ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें म्यू आर नॉट इक्वल टू 1 होता है, म्यू आर 1 होता नहीं है। ओके, जैसे वो भी हमने एग्जांपल देखा सॉफ्ट आयरन 8000 था उसका। ओके, अब ये जो म्यू आर 1 है वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ऑब्वियसली एयर मैग्नेटिक थोड़ी होती है। ओके, सो एयर क्या है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और जो 1 ना हो ना वो हो सकता है क्या, मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसमें और क्या क्या है, तो एयर तो अभी हमने देखा, कॉटन, रुई, कॉटन, ग्लास, वुड, प्लास्टिक, माइका, रबर, माइका एसएसटी में आता था 10th में याद है। ओके, माइका पर्टिकुलरली वो जो मटेरियल जो कौन से जियोग्राफी में आता था आई थिंक सो। ओके, जो मटेरियल भाई एल्यूमिनियम कहाँ से मिलता है, कॉपर कहाँ से मिलता है, वैसे ही एक था माइका। ओके, तो माइका है, रबर है। ओके, वो सब चीजें क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, नाउ मैग्नेटिक पे आते हैं। ओके, सो मैग्नेटिक सब्सटेंस इसमें क्या है, अभी उसमें भी एक में म्यू आर जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो लेस देन 1, नॉट इक्वल टू 1 है, तो क्या हो सकता है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, तो लेस देन 1 होगा वो डायमैग्नेटिक है, मतलब अगर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कम है, 1 से क्या है कम है, तो परमिएबिलिटी ही कम है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कम है, तो डेफिनेशन से जाए तो भाई उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास ही नहीं हो सकती, उसकी एबिलिटी कम है ऐसा, तो उसकी एबिलिटी कम है, इसलिए वो कौन से मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था अभी एक चैप्टर में। ओके, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक,
तो वहां पे हमने याद भी रखा था ओके, डाया मतलब दूर, ऐसे याद डीडी याद रखा था ना हमने, डाया मतलब दूर, ये मैग्नेट, ये कौन से डीएनएफ ब्लॉक में शायद देखा था हमने, यस डीएनएफ ब्लॉक में हमने देखा था कि कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, और मैंने ऐसे एक सब्सटेंस रखा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ मैंने ऐसे एक सब्सटेंस रखा, तो क्या होगा, या तो ये सब्सटेंस ऐसे दूर चला जाएगा या तो ये सब्सटेंस नजदीक चला जाएगा ओके। तो ऐसे ही सब्सटेंस रखा और वो दूर गया, तो डीडी याद रखा था, दूर गया मतलब डायमैग्नेटिक, और पीपी याद रखा था, पास जाए तो पैरामैग्नेटिक ओके, डीडी एंड पीपी ओके, तो दूर जाए तो डायमैग्नेटिक, और मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर तो उसमें अट्रैक्ट हो जाए, पास चला जाए तो पैरामैग्नेटिक। अभी पैरामैग्नेटिक में भी अभी एक और एडिशनल देखा था, फेरोमैग्नेटिक। तो क्या है भाई, वो जो पैरामैग्नेटिक, वो जो मटेरियल है, सब्सटेंस हमने डाला है एक्सटर्नल फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, वो ऐसे करके पास जा रहा है, इसलिए हमने पैरामैग्नेटिक बोला। लेकिन अगर ये पास जा रहा है वो एकदम खतरनाक स्पीड से पास चला जाए, ऐसे जैसे ही डाला चिपक गया डायरेक्ट, बहुत फास्ट ओके, तो जो बहुत फास्ट चला जाए वो होता है हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो पैरामैग्नेटिक भी अट्रैक्शन में ही जाता है मैग्नेटिक फील्ड के, और फेरोमैग्नेटिक भी अट्रैक्शन में ही जाता है, और डायमैग्नेटिक रिपल्शन में जाता है, लेकिन वो दोनों अट्रैक्शन में जाते हैं, लेकिन पैरामैग्नेटिक कम स्पीड से जाता है और फेरोमैग्नेटिक तुरंत चला जाता है, इंस्टेंट फास्ट स्पीड से, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देम ओके। सो डायमैग्नेटिक म्यू आर लेस देन वन, जिसमें आता है एंटीमनी, ये एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे, एक एक मार्क में पूछा जा सकता है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वहां पर, ये सब्सटेंस अब जैसे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ मैं एंटीमनी ऐसे डाल दूं तो वो ऐसे दूर चला जाएगा, जस्ट लाइक नॉर्थ नॉर्थ कैसे रिपल करेगा वैसे दूर चला जाएगा। सो एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, क्वार्ट्ज, वाटर एक्सेट्रा ओके। नेक्स्ट पैरामैग्नेटिक, जिसमें म्यू आर ग्रेटर देन वन होगा तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वो है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी है देखो, इसीलिए हमारे कई कई जो पुराने सिक्के होते थे जहां पे प्योर एल्यूमिनियम यूज होता था तो वो मैग्नेट से चिपक जाता था, मैग्नेट से कॉइन चिपक जाते थे, हम सोचते थे अरे यार लोखंड के सिक्के हैं, लोखंड के नहीं थे एल्यूमिनियम के थे ओके। सो एल्यूमिनियम, क्रोमियम, क्योंकि तब तो हमें बचपन में तो क्या पता था कि भाई मैग्नेट को कौन चिपकता है, लोखंड ही चिपकता है, ऐसा ही पता था ना बचपन में तो ओके। लेकिन फिर एल्यूमिनियम की अलमारी होती थी उस पर भी चिपक जाता था ओके, वो सब हम बड़े होके समझते हैं। सो एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, लिथियम, प्लेटिनम, ये सारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड हो तो वहां पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। एंड फिर आते हैं फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि वो गुड क्वेश्चन, क्योंकि वो प्योर एल्यूमिनियम नहीं है ओके, इसीलिए नहीं चिपकता। और जैसे कि प्योर एल्यूमिनियम हम यूज करते हैं एरोप्लेन में, प्योर एल्यूमिनियम एकदम, क्यों, क्योंकि वहां पे एलॉय करना ही नहीं है, एलॉय करोगे तो उसका मास बढ़ जाता है, एरोप्लेन में हमें मास कम करना है, बढ़ाना नहीं है, क्योंकि उड़ना है ना, जितना मास कम होगा उतना अच्छा है ओके। तो वहां पर प्योर, तो प्योर एल्यूमिनियम अगर होगा तो वो प्रॉपर्टी रहेगी, लेकिन एलॉय होगा, एल्यूमिनियम तो है मेजरली से 90% भी एल्यूमिनियम है, लेकिन थोड़ा बहुत तो, थोड़ी बहुत तो आएगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, लेकिन पूरी नहीं आएगी ओके। वैसे एलॉय के केस में, आयन के केस में भी वैसा ही होता है, हम सोचेंगे आयन है लेकिन वो आयन भी कैटेगरी वाइज होगा ना, अगर ज्यादा आयरन कंटेंट है, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा दूसरा एलॉय आ गया है, हम बोलेंगे आयन, लेकिन सबके टाइप्स होते हैं। अगर हम मार्केट में जाए, जैसे कि हम स्टील बोलते हैं तो कितने सारे स्टील के टाइप होते हैं ओके, कि भाई हाँ निकल वो जो भी हम डाल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन एकदम स्टैंडर्ड वाला जो होता है ना ओके, अभी जैसे मार्केट में नाम क्या है पता है उसका, स्टील 404 नाम है नंबर, मतलब मार्केट में ऐसा बोला जाता है स्टील 404, ये 404 स्टील है ऐसा, तो स्टील की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ना वो 404 को देनी चाहिए, तो स्टील की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे है वो कि वो नॉन कोरोसिव है, उस पर कोरोजन लगता नहीं है। तो तुम खर्चे करके स्टील का मटेरियल, स्टील बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा, तो अभी तुम स्टील का मटेरियल लेके आए, कुछ भी लेके आए ओके घर पर, और अगर उस पर जंग लग रहा है मतलब उसने हमें बेवकूफ बनाया ओके। जैसे कि तुम अभी क्लास में आओगे तो ये जो स्टेयर्स से आते हो तो एल्यूमिनियम की ही रेलिंग्स है ओके, तो देखो वहां पे कई कई जगह पे कोरोशन है, और वो हाँ कहाँ कहाँ
गाड़ी में एक्सेसरीज, हाँ गाड़ी की एक्सेसरीज में भी, तो वो स्टील 404 है, पूछ के लाया था पैसे भी दिए थे, बट देखो जंग लग रहा है. ओके, दैट मींस के दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी. ऐसा ही हुआ ना, कि बोल तो रहे हैं कि भाई नहीं लगेगा, लेकिन लगा उसका क्या. ओके, फिर उनके पास अभी बोलने जाए ना तो रीजन भी होते हैं. चलो वो सब बातें अभी हम नहीं करते, बट कहने का मीनिंग है कि जो कर, फिर सब लोग ऐसा ही बोलेंगे ना, स्टील 404 है, लगा दो लगा दो. तो भाई जो 404 नहीं है ना, सपोज 402 है, ओके, तो वो भी 404 बोल के ही बेचता है. जैसे कि गोल्ड में नहीं चीटिंग होती, ए भाई 22 कैरेट गोल्ड, फिर कई कई बात तो 24 कैरेट तो लोग लेके आते हैं 24 कैरेट गोल्ड, फिर पढ़े लिखे होते तो भाई 24 कैरेट का तो जवेरात कोई बन ही नहीं सकता ज्वेलरी, क्योंकि बनाने के टाइम पे ही इम्प्योरिटीज आ जाएगी. 24 कैरेट का कोई ज्वेलरी बन ही नहीं सकता, तो तुम लेके कहां से आ गए तो ऐसा है, हाँ ऐसे भी रीजन होते हैं. हमारे पहचान के ना तो उन्होंने दे दिया. अरे पहचान के मतलब ज्वेलरी हाथ से ही बनाओगे, मशीन से बनाओगे तो भाई पहचान से बनाई बोलो तो बन नहीं सकती, तो बनाया कैसे, इम्प्योरिटीज अंदर आई जाएगी. वो 24 कैरेट वो पूरा का पूरा क्यूब होता है ना, वो KGF पूरी की पूरी बिस्किट्स होती है, वहां स्लैब वो ही प्योर होता है. ओके, अगर तुमने कुछ भी अंदर चेंजेस करने गए तो वो इम्प्योर हो जाएगा, कैरेट 23 हो जाएगा, 23.5 हो जाएगा. तो ज्वेलरी तो 22 के ऊपर आती ही नहीं है. और कई लोग ऐसे गोल्ड भी बोलते हैं कि भाई गोल्ड 66,000 का है, अभी 66,000 हो गया है 10 ग्राम का. अभी कोई जाके आएगा और बोलेगा अरे हमने ये करवाई, देखो इतना वजन है, इतनी हैवी है, कितने की आई ये रिंग, तो बोले 15,000 की, इतनी हैवी है 15,000 की, अभी तो इतना भाव चल रहा है. तो फिर वो नहीं 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 पहचान वाले हैं ना इसे तो पहचान वाले हैं ना इसलिए, अरे पहचान वाले हैं तो 18 कैरेट का 16 कैरेट का भी गोल्ड होता है. ओके, और फिर वो एलॉय है, अंदर कॉपर भी डाला होगा, हमें कहाँ दिखता है कि कॉपर है, हमें कहाँ दिखता है कॉपर है, हमें चेक करना आता है नहीं आता तो फिर होता क्या है, हैवी भी लग रहा है. ओके, और फिर हम बोलेंगे कि हैवी है, सस्ता मिला. देखो सारी बात की एक बात, कोई भी बिजनेसमैन लॉस के लिए बिजनेस नहीं करता, समय के साथ उसकी पहचान भी लॉस के लिए कौन करेगा भाई, कितनी भी अच्छी पहचान हो वो घर में नहीं लगाएंगे पहचान, तो बाहर की तो बात ही छोड़ो. तो दैट इज द थिंग, वो समझना है हमें. ओके, वो दूसरों को और बोलते हैं वो बाहर के, वो तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताना मेरी पहचान की. हाँ हो गया टाइम, हाँ एक ही मिनट, हाँ यहाँ पे कितना बाकी है हमारा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ठीक है, कोई बात नहीं, कल हम ये टॉपिक कंप्लीट करके नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे. ओके, तो